हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर वन। अंडर फेज वन ऑफ भारतमाला परियोजना द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 34,800 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज इन 5 ईयर्स। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अकम्प्लिश्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मच किलोमीटर of national highways in the financial year 2019-20, which is the highest ever done by itself. So guys, this is the logo of Bharatmala Pariyojana and this logo has been taken from the website of Ministry of Road Transport and Highway. And this project Bharatmala Pariyojana was launched by Ministry of Road Transport and Highways, which is headed by Nitin Gadkari. His Lok Sabha constituency is Nagpur, the city of oranges. He is also the minister of MSME. Okay, and under this Pariyojana, 65,000 km national highways are to be built. And under phase 1 of Bharatmala Pariyojana, the ministry has approved implementation of 34,800 km of national highways in 5 years. That is from 2017 to 2022 with an outlay of 5,35,000 crore. 5,35,000 crore ki lagat se फेज वन ऑफ भारतमाला परियोजना में मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे 5 सालों में, जो कि 2017 से लेकर 2022 तक हैं। एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में सेटअप किया गया था अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988, बट इट बिकेम ऑपरेशनल इन द ईयर 1995 एज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड इट वर्क्स एज अ नोडल एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। It has been entrusted with the National Highway Development Project along with other minor projects for development, maintenance and management. And in the year financial year 2019-20, National Highway Authority of India ne record banaya hai of building 3,979 km of National Highway in a single year, jo ki abhi tak ka sabse zyada hai jab se ye bana hai from the year 1995. 2018-19 में 3,380 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 3,979 किलोमीटर हाईवेज बनाए गए हैं। ऑलराइट, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन गाइस? हाउ मच किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हैज बीन कंस्ट्रक्टेड? सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 4,000 किलोमीटर। ओके, इन द एक्चुअल फिगर इट इज 3,979 किलोमीटर, बट अप्रोक्सीमेटली दिस फिगर विल बिकम व्हाट? 4,000 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 4,000 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू गाइस, कंसिडर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वयं एंड स्वयं प्रभा विच हैज बीन रिव्यूड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एचआरडी रमेश पोखरियाल निशंक ऑन 20th April 2020, एज दीज आर वेरी डिमांडिंग इन द लॉकडाउन कंडीशंस। We have to identify the correct statements with respect to these two, that is Swayam and Swayam Prabha. So now let us first discuss about Swayam and Swayam Prabha. So Swayam stands for study webs of active learning for young aspiring minds. Study webs of active learning for young aspiring minds. It was launched in the year 2017 by Ministry of HRD to provide one integrated platform and portal for online courses. और इस पोर्टल में सारे हायर एजुकेशन सब्जेक्ट्स और स्किल्स सेक्टर के कोर्सेज कवर किए जाते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हर स्टूडेंट है हमारे देश का, उसको बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। एंड एकेडमिशियंस फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री आर इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू स्वयं इन ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन्स फ्रॉम सीनियर स्कूलिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन। सीनियर स्कूलिंग से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया कराए जाते हैं एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। सो दिस वाज अबाउट स्वयं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्वयं प्रभा। इट इज आल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल्स थ्रू डीटीएच अक्रॉस द कंट्री ऑन 24/7 बेसिस। इट वॉज ऑल्सो लॉन्च इन द ईयर 2017। सो जो स्वयं प्रभा है उसके अंतर्गत 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू डीटीएच, एंड इट हैज करिकुलम बेस्ड कोर्स कॉन्टेंट कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन फॉर क्लास 9 टू 12 एंड फॉर हायर एजुकेशन।
हायर एजुकेशन और क्लास 9 से लेकर 12th तक के लोगों के लिए करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है एंड दिस इज प्राइमरीली एम्ड एट मेकिंग क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज वेयर इंटरनेट अवेलेबिलिटी इज स्टिल अ चैलेंज। ऐसे इलाके ऐसे एरियाज जहां पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी अभी उतनी दुरुस्त नहीं है वहां पे क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना ही इसका एम है। और जो ये डीटीएच चैनल्स हैं ये जीसेट 15 सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि कौन सा सैटेलाइट स्वयं प्रभा के डीटीएच चैनल्स यूज कर रहे हैं, तो द सैटेलाइट का नाम इज जीसेट 15। नाउ रिसेंटली स्वयं एंड स्वयं प्रभा हैज बीन रिव्यूड बाय द मिनिस्टर ऑफ एचआरडी एंड सम डिसीजंस हैज बीन टेकन। सो व्हाट आर दिस डिसीजन? नंबर वन इस जितने भी 1900 स्वयं कोर्सेज हैं, 60,000 स्वयं प्रभा वीडियोस हैं, उनको ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू 10 रीजनल लैंग्वेजेस इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट यूजीसी एंड एआईसीटीई विल फॉलो अप विद यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेप्ट स्वयं क्रेडिट्स। एंड व्हाट इज दिस स्वयं क्रेडिट्स? लाइक सपोज कि कोई स्टूडेंट है जो कि स्वयं से कोई कोर्स कंप्लीट करता है, ऑलराइट, कोई कोर्स कंप्लीट करता है और वहां से उसको सर्टिफिकेशन मिलती है, तो ऐसा ही कोई अगर सिमिलर कोर्स उसकी यूनिवर्सिटी में है, उसकी जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा है या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर सिमिलर कोई कोर्स ऐसा उसके यूनिवर्सिटी में चल रहा है तो जो चीजें उसने यहाँ पे सीखी हैं उसका क्रेडिट उसको इस कोर्स में मिल जाएगा। लाइक सपोज उसने यहाँ पे कोई एग्जाम दिया और उसके कुछ मार्क्स हुए तो वो मार्क्स इसके इस वाले कोर्स में एडअप हो जाएंगे। दिस इज वॉट स्वयं क्रेडिट्स। And to encourage faculty to provide more courses under SWAYAM, it has been decided to provide appropriate incentives for their career. और SWAYAM Prabha के content को enrich करने के लिए कुछ लोगों से content मांगा गया है जो कि willing है to contribute the content under Vidya Dan program. Okay, it was decided to enrich the content in SWAYAM Prabha by collecting content from whosoever willing to contribute the same under Vidya Dan program. Okay, now let's move on to the question. We have to identify the correct statement regarding Swayam and Swayam Prabha. So Swayam is an online platform where Swayam Prabha is a DTH television education channels. Yes, this is absolutely correct. Both are launched in the year 2017 by Ministry of HRD. Yes, this is also correct. M refers to mission in Swayam. No, M refers to minds. So this is incorrect, guys. In review meeting, translation in regional languages of the courses and videos was decided. Yes, this is correct. Translation in 10 regional languages kiya jayega. Swayam is for higher education while Swayam Prabha is for primary education. No, Swayam Prabha is for 9th to 12th and for higher education. Alright, so this is incorrect and we have to identify the correct statement. So 1, 2 and 4, option C, 1, 2 and 4 is the correct answer. Now guys, question number 3. The Technology Information Forecasting and Assessment Council, TIFAC, is preparing a white paper to strategize revival of post-COVID-19 Indian economy. TIFAC is an autonomous think tank working under which department? Okay. So, ये जो TIFAC है ये 1986 में बनाया गया था as per the recommendation of Technology Policy Implementation Committee in 1985 and it works under the Department of Science and Technology. Okay, and it is preparing a white paper to strategize revival of post-COVID-19 Indian economy. और ये जो white paper है इसके कुछ focus areas हैं, जैसे कि Make in India initiative को strengthen करना, indigenous technology का commercialization, developing a technology-driven transparent public distribution system, rural healthcare delivery को efficient बनाना, import का reduction and adoption of emerging technology domains like artificial intelligence, machine learning, data analytics and many more. Okay, so the question was, TIFAC is an autonomous think tank, works under which department? So it works under Department of Science and Technology under Government of India. Now next question guys, question number 4. Which states or UTs are given extension for mandatory requirement of Aadhaar seeding of data beneficiaries for one more year to avail the benefits under the PM Kisan? So guys, this PM Kisan is effective from 1st December 2018 और इसमें ऐसा था कि 1st December 2019 के बाद से
जो बेनिफिशरीज को बेनिफिट्स रिलीज किया जाएगा वो केवल आधार सीडेड डेटा के आधार पे किया जाएगा, जो कि अपलोड करेंगे कौन, रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट्स ऑन द पीएम किसान पोर्टल। और इसमें एक्सेप्शन दिया गया था दो स्टेट्स को, दैट इज असम मेघालय, और दो यूटीज को जो कि है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और इन स्टेट्स को ये एग्जेम्पशन इसलिए दिया गया था बिकॉज यहाँ पे आधार पेनेट्रेशन इतना ज्यादा नहीं था, एंड इफ द रिलैक्शन फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ आधार सीडिंग ऑफ डेटा इज नॉट एक्सटेंडेड, द बेनिफिशरीज ऑफ दी स्टेट्स एंड यूटीज मे नॉट बी एबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। अगर ये रिलैक्सेशन इनको नहीं दिया जाता तो इन स्टेट्स और यूटीज के जो बेनिफिशरीज थे उनको बेनिफिट्स अवेल नहीं हो पाता। ओके, इसकी वजह से इन दो स्टेट्स और दो यूटीज को जो एग्जेम्पशन है, जो रिलैक्सेशन है वो दी गई। ओके, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। असम चीफ मिनिस्टर इज सर्बानंद सोनोवाल, मेघालय चीफ मिनिस्टर इज कॉनरेड संगमा, जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज गिरीश चंद्र मुर्मू, एंड लद्दाख फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इट इज राधा कृष्ण माथुर। ऑलराइट, एंड पार्टी ऑफ कॉनरेड संगमा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, एंड पार्टी ऑफ सर्बानंद सोनोवाल इट इज बीजेपी, एंड पार्टी ऑफ कॉनरेड संगमा इट इज नेशनल पीपल्स पार्टी। ऑलराइट, नाउ गाइस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच एक्ट इज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ वर्कर्स ड्यूरिंग द करंट COVID-19 फ्रॉम अटैक ऑफ मिसक्रिएंट्स। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि जो हेल्थ वर्कर्स है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो अगर किसी का टेस्ट करने जा रहे हैं तो उनके ऊपर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कि अटैक कर रहे हैं। उस उन हेल्थ वर्कर्स को उस अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने एक एक्ट को अमेंड किया है, उस एक्ट के बारे में हमसे पूछा गया है। सो ये है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897, एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ बुबोनिक प्लाग दैट ब्रोक आउट इन द देन स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश सरकार ने ताकि बुबोनिक प्लाग का सामना किया जा सके जो कि उस समय के बॉम्बे स्टेट में आया था। एंड इन द ईयर अप्रैल 2020 एक ऑर्डिनेंस पास किया गया ताकि इस एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897 को अमेंड किया जा सके। ओके, और हमें ये सबको पता है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, और इसके अंदर कुछ की प्रोविजंस हैं, वो ये हैं कि ये जो ऑफेंस होगा ये कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेनेबल होगा। कॉग्निजेबल का मतलब होता है गाइस कि इसके अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है तो उसमें पुलिस के पास पावर होती है कि वो विदाउट वारंट, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है अक्यूज्ड को। बिना वारंट के अगर पुलिस अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है तो वो होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि अब अक्यूज्ड को कभी भी बेल नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये होता है कि जो बेल है वो केवल कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कि पुलिस स्टेशन से उस अक्यूज्ड को अब बेल नहीं मिलेगी, उसको बेल अगर चाहिए तो उसको कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ओके, सो ये जो ऑफेंस है अंडर अमेंडेड एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 ये कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेनेबल भी है। ओके, एंड इसके अलावा कमीशन और अबेटमेंट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस, अगर कोई कोई वायलेंस करता है या फिर उसको इंस्टिगेट करता है सो उसको 3 महीने से लेके 5 साल तक की सजा, साथ में 50,000 से लेके 2 लाख तक का फाइन लगेगा। और अगर कोई बहुत ज्यादा ग्रीवस हर्ट होता है विच इज कवर्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 320 इन इंडिया तो उसको 6 महीने से लेके 7 साल तक की सजा और साथ में 1 लाख से लेके 5 लाख रुपीज तक का फाइन। ओके, कमीशन और अबेटमेंट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 months टू 5 years एंड विद अ फाइन ऑफ ₹50,000 टू 2 लाख, एंड इन केस ऑफ कॉजिंग ग्रीवस हर्ट विच इज कवर्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 320 इम्प्रिजनमेंट शेल बी फॉर अ टर्म ऑफ 6 months टू 7 years एंड विद अ फाइन ऑफ ₹1 लाख टू ₹5 लाख। और इसके अलावा जो ऑफेंडर होगा उसको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा विक्टिम को, और जितना भी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है उसके फेयर मार्केट वैल्यू का दुगना प्राइस चुकाना पड़ेगा। एंड ऑफेंसेस शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज एंड द ट्रायल हैज टू बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर अनलेस एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो इंस्पेक्टर के रैंक का होना चाहिए, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये 30 दिन के अंदर खत्म होनी चाहिए, और जो ट्रायल है वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए जब तक कि कोर्ट कोई लिखित में कारण ना दे। ऑलराइट, सो नाउ गाइस व्हाट वाज द क्वेश्चन, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्ट। सो द एक्ट इज
Epidemic Diseases Act of 1897. So therefore D is the correct answer. So guys, I hope आपको session समझ में आया होगा. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. मिलते हैं next session में. Goodbye, take care, God bless and keep watching PIB 24/7.